चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पंजाब राज्य के दक्षिणी भाग में संगरूर जनपद में जिला मुख्यालय संगरूर से दक्षिण में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर को अंग्रेजों के घर इंग्लैंड में घुसकर मौत की नींद सुलाने वाले परम पराक्रमी शहीद उधम सिंह का शहर सुनाम। पूर्व में पटियाला अथवा संगरूर की ओर से सुनाम पहुंचने पर शहर का आईटीआई चौक दिखाई पड़ता है। आईटीआई चौक से दक्षिण की सड़क छाजली एवं लहरागागा की ओर प्रस्थान कर जाती है। पश्चिम की ओर मुख्य शहर की तरफ बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण चौराहा उधम सिंह चौक दिखाई पड़ता है। उधम सिंह चौक से उत्तर पश्चिम की ओर सुनाम बाईपास सड़क मानसा की ओर बढ़ जाती है एवं पश्चिम की ओर मुख्य सड़क सुनाम शहर की ओर प्रवेश करती है। सुनाम शहर में वर्तमान में लगभग 85,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से संगरूर जनपद में संगरूर के बाद दूसरा एवं पंजाब राज्य का 33वां सबसे बड़ा शहर है। मुख्य सड़क रेलवे लाइन को पार करके एक और व्यस्त चौराहे महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचती है। महाराजा अग्रसेन चौक के निकट ही सुनाम का बस अड्डा परिसर स्थित है, जहां से आसपास के महत्वपूर्ण शहरों को आवागमन हेतु बस सेवाएं उपलब्ध हैं। महाराजा अग्रसेन चौक से पश्चिम की ओर माता मोदी रोड एवं दक्षिण की ओर की सड़क रेलवे स्टेशन रोड के रूप में रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। पुरानी अनाज मंडी, गीता भवन मार्ग आदि क्षेत्र इसी सड़क से जुड़े हुए हैं। सुनाम ब्रिटिश भारत में जींद रियासत के अधिकार क्षेत्र में था। देश की आजादी के पश्चात पेप्सू राज्य का गठन हुआ और सुनाम पेप्सू राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। उस समय यह शहर संगरूर जिले की एक तहसील के रूप में अस्तित्व में आया। 1956 में पेप्सू राज्य का विलय पंजाब में कर दिया गया और सुनाम भी भारतीय पंजाब राज्य में सम्मिलित हो गया। रेलवे स्टेशन मार्ग रेलवे स्टेशन परिसर से होकर गुजरता है। सुनाम रेलवे स्टेशन को सुनाम उधम सिंह वाला के रूप में जाना जाता है। सुनाम से होकर लुधियाना जाखल मंडी रेल लाइन गुजरती है। दक्षिण की ओर रेलवे स्टेशन रोड नया बाजार चौक से होकर शहीद उधम सिंह कॉलेज की ओर निकल जाता है। नया बाजार चौक से पश्चिम की ओर शहर का आधुनिक बाजार नया बाजार प्रारंभ होता है। इस बाजार में अनेकों आधुनिक एवं उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। यहां भीड़भाड़ सदैव बनी रहती है। सुनाम में पंजीकृत होने वाले वाहनों को PB44 से पहचाना जाता है। नया बाजार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पीरांवाला गेट चौक पर पहुंचता है। पीरांवाला गेट चौक से दक्षिण की ओर कॉलेज रोड एवं पीर बन्ना बनाई रोड एवं उत्तर की ओर सिनेमा रोड प्रारंभ होता है। सिनेमा रोड भी शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। यह मार्ग भी वर्तमान में पूर्णतः व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। सुनाम वर्तमान में संगरूर जिले की 7 तहसीलों में एक है। यह संगरूर के बाद जिले का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी है। सिनेमा मार्ग उत्तर की ओर बढ़ते हुए माता मोदी चौक पर पहुंचता है। माता मोदी चौक से उत्तर में गुग्गामारी रोड बाईपास की ओर एवं पश्चिम में चौहट्टा बाजार और पूर्व की सड़क माता मोदी रोड के रूप में महाराजा अग्रसेन चौक की ओर बढ़ जाती है। यह मार्ग शहर के क्षेत्र में सबसे विकसित क्षेत्र में एक है। यहां दोनों ओर अनेकों व्यापारिक एवं वाणिज्यिक भवन स्थापित हैं। उच्च स्तरीय रहन सहन एवं विकसित शहरीकरण से सुनाम एक जिला स्तरीय शहर जैसा ही दिखाई पड़ता है। माता मोदी चौक से पश्चिम की सड़क चौहट्टा बाजार की ओर प्रवेश करती है। यह क्षेत्र शहर का घनी आबादी वाला भाग है एवं पुराना सुनाम के रूप में भी देखा जा सकता है। यह मार्ग शहर के पश्चिमी छोर पर मानसा मार्ग पर जुड़ जाता है। सुनाम जैसे महत्वपूर्ण शहर में आना और इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सुनाम पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो सुनाम शहर या इसके आसपास से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।